सरकसा ग्लेशियर है जी। ग्लेशियर के साथ साथ मोरेन से हम चल रहे हैं। ये हैं हम सिटी स्लिकर्स। जब शहर से उठ के हाइकिंग आए ना तो ऐसा हाल हो जाता है। और इस धूप में तो इतनी गर्मी है, मजे का है। बिल्कुल मजे का है, बिल्कुल। और साये में आए जाएं तो थोड़ा सा थोड़ी सी सर्दी, धूप में थोड़ी सी तपिश। yes. जी जी। It's been raining since morning, no? It started raining around 7:30, but then it wasn't cold because it hadn't absorbed into the ground. Now that it's absorbed, and now it's like kind of evaporating because the cold is coming out of the floor. So it's really cold. In there, it's nice and warm. But I still need my down jacket. I'll be back. She means bought at Spring Store in Karachi. Don't let it fool you guys. This vlogger is fake. जी अभी हम सईद चौक कैंप साइट पे हम मौजूद हैं। हम कल शाम को पहुंचे थे तो ये बड़ा खूबसूरत कैंप साइट है सईद चौक। यहाँ पे सीजन में बड़ा हुजूम रहता है, जो जितने भी एक्सपीडिशंस हैं वो यहाँ आके कैंप करता है और रेस्ट करता है यहाँ पे। तो अभी तो सीज़न नहीं है इसलिए आप लोग आपको खाली खाली नज़र आएगा, वरना ये सारा भर जाता है। ये जितने भी फील्ड्स हैं इन सब में टेंट्स फुल हो जाता है और बड़ा गहमा गहमी रौनक होता है। तो अभी हमारा प्रोग्राम है यहाँ से सरकसा वैली जाने का। ये राइट हैंड साइड पे सरकसा वैली आता है, बड़ा खूबसूरत वैली है। तो हम देखेंगे जहाँ तक हम जा सके जाके डे ट्रिप करके हम वापस आ जाएंगे। चश्मे हैं रास्ते में, वहाँ से हम पानी लेंगे। तो ऊपर व्यू पॉइंट है सरकसा ग्लेशियर और पूरा एरिया वहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो वहाँ तक हम हाइक करके इंशाल्लाह 4-5 घंटे तक हम वापस इधर आ जाएंगे शहीद चौक। जी थैंक यू। आपने वो मग रखा हुआ है इनविजिबल टी के लिए? जी जी, मग रखा हुआ है जी मेरे पास। जी जी। और अभी मैंने स्पेशल टी हम बनाएंगे ऊपर, मेरे पास स्पेशल चीज़ है, उससे हम चाय कोल्ड
टी हम कह सकते हैं वो पियेंगे ऊपर, इंजॉय करेंगे वो भी स्प्रिंग वाटर, नेचुरल स्प्रिंग वाटर से। ओह एक्चुअल स्प्रिंग हमें मिलेगा, एक्चुअल स्प्रिंग मिलेगा वहाँ, तो हम सोर्स से बॉटल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बॉटल कर सकते हैं, खाली बॉटलें भी लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ से पानी भर के ले आए। ठीक है, तो जी हम रेडी हैं साइचो कैंप साइट से सरक्सा की तरफ, बस रवाना हम होने वाले हैं। सब तैयार हो गए हैं, अपने वेरियस लेयर्स पहन लिए हैं, हाइकिंग स्टिक पकड़ ली है। ये एक बहुत ही क्यूट शेपर्ड्स हट टाइप कैंप साइट है जो कि चलाते हैं हमारे साथ ग़ुलाम नबी जो कल थे। तो ग़ुलाम नबी, सुना है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं हुशे से और गंडो गोरोला से, तो कितना रश होता है यहाँ पे गर्मियों में? गर्मियों में सारे ये दिन के जगह बने हुए सारे फुल होते हैं, जगह मिलने ना मिलने के तो खर्चा होता है। तो बहुत सब ग्रुप आते हैं इधर, डांस भी होते हैं, गाने शाने होते हैं, पार्टी भी होते हैं इधर। तो हमने मजे के साथ पार्टी हमने मिस कर दिया। हम इंशाल्लाह आज शाम को हो जाएगा पार्टी भी, हो पार्टी करेंगे, बारबेक्यू भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये दरख्त बहुत ही लग रहा है कि 1000 साल पुराना। हाँ हाँ, बहुत पुरानी दरख्त है, हम हैदराबाद से रखा हुआ है हैदराबाद के लिए। और सुबह आपने मार खो रही देखा था पहाड़ी पे, क्या गया था आप लोग सो के था, हम आपको जगाने के सोचा तो नहीं, आपको थका हुआ हुआ है तो हम मैंने जगाया तो चले गया ऊपर। ठीक है, ओके, तो लेट्स गो, वी आर रेडी टू हाइक। ठीक है, ये मायरा आपने मुझे गिफ्ट भेजा था, ये मैंने अभी तक संभाल के रखा है, ये हमेशा मेरे बैग में होता है, इंतहाई कारामत चीज है ये, देखें। अच्छा, हाँ हाँ, ये बहुत, ये कराची में मेरे पास था तो मैंने कहा हम तो इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू सो मच, ये देखें, ये हमेशा मेरे बैग में होता है, देखें। अभी फिर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, देखें। नहीं, इससे क्या आप क्या खाएंगे? नीमको खाएंगे आप? इसे खाऊंगा जी जी, इसको मैं वहाँ पे एक स्पेशल चाय बनाता हूँ वो इससे, इसी से मिक्स करके, तो वो हम पियेंगे ऊपर। वो कल भी पी रहे थे आप स्पेशल चाय? हाँ, स्पेशल चाय इनविजिबल टी जी जी, इसको यूं करके इनको फोल्ड किया तो ये पैक हो गया। आर वी रेडी टू मूव? आई एम वेयरिंग ग्लव्स, थिक पैडेड ग्लव्स, अ नेक थिंग, अ हेड थिंग एंड अ लाइट जैकेट। रेन जैकेट भी रख लिया? रेन जैकेट इज इन द बैकपैक, और अदर फ्लीस इज इन द बैकपैक, नॉट कीपिंग अ सन हैट। Did you wear your socks? Oh, these are much softer. Demo, you're taking your book? Yeah, I mean, it's just in my knapsack. There are also two sizes. Should I take it out? This is extra weight. If you're not going to read it. आज की हाइक बहुत खूबसूरत होगी, अच्छी होगी, तो कल की तरह टायरिंग भी नहीं होगी, तो आज मज़ा आएगा। तो मैं तैयार हूँ, मेरा बैकपैक तैयार है, तो आई एम रेडी। जाफर आप क्या करेंगे? हम तो जा रहे हैं। आप जाएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करेगा एक चिकन को काट डालेगा। इसकी बात, मैंने पिज़्ज़ा बनाना है आज, चाइनीज राइस बनाना है, सब्जी का कुछ टेबल है, करी बनाएगा इंशाल्लाह, और चपाती होगी, उसकी बात चिकन रोस्ट होगा, पोटैटो चिप्स होगा। दैट इज इनफ, मोर यू वांट समथिंग? भाई बहुत ही अच्छा होगा। बस आप स्वीट में एप्पल आप लेगा, एग्स प्रोटीन लेगा, एज यू लाइक, खीर फिरनी भी है मगर वो पैकेट वाला है, फ्रेश। नो प्रॉब्लम फॉर मी, जस्ट ऑर्डर मी सर। आज क्या पकाएंगे? आज पता थी उस्ताद एक पिज्जा, अच्छा चाइनीज, चाइनीज राइस, अच्छा चाइनीज राइस, चपाती, वेजिटेबल। ना वो ब्रेन, मगर हीट एक साइड से आएगा, मगर टेस्ट में थोड़ा फर्क हो गया, नहीं टेस्ट भी इंशाल्लाह। ऊपर से एक चीज कैसे पिघला? नहीं नहीं, वो तो वही हमारा टेक्निकल है ना, ये बताते नहीं है, सीक्रेट है। नहीं 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 नहीं, आई शो यू, नो प्रॉब्लम। टेक्निकल चीज दिखाते नहीं वो तो, हम इधर तो थोड़ा सा लो हेट है, हमें इतना वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो ब्राड टू के2 वहाँ पे जो
5100 मीटर पे जगह पे भी हमें इंशाल्लाह अच्छी तरह बना के लोगों को पिज्जा की शेप से बना के दे। रेली सर, अच्छा वो एक दफा हम गन्नौर पास क्रॉस करके इधर आया, हमने इधर कैंप किया था और टू नाइट हमने रेस्ट किया था, फुल डे रेस्ट किया था। तो एट द मेन टाइम वहाँ पे एक हमारे मेंबर का बर्थडे था, तो मैंने इससे कहा यार कोई केक बनाना पड़ेगा, कोई पॉसिबल है? उसने कहा नो प्रॉब्लम सर। आप यकीन करें इतना खूबसूरत केक बनाया था, वो मेंबर्स को जब हैप्पी बर्थडे का एक कैंडल भी इसने लाया था वो लगा के अंदर आया मेस टेंट में, तो सब खड़े हो गए, कहने लगा ये तो मेरिकल है, आपने इस जगह पे केक कहाँ से लाया? इन्होंने बोला नीचे से मंगाया है, वो उसकी माइंड तस्लीम नहीं माना था जी, इसने यहाँ पे तुमने बनाया ये चीज, तो इसने यहाँ पे बनाया था इतना मजेदार इतना खूबसूरत केक। उस पे हमने वो पार्ट के ऊपर कुछ वो मिट्टी कंकर डालते हैं, उससे वो हीट थोड़ा सा लो करके स्लो मोशन में हीट दे के फिर ये चीज बनाते हैं, वो 3-4 घंटे में तैयार होता है, क्योंकि ओवन है तो हर जगह से वो हल्का सा हीट उसके ऊपर। तो आपको पता है कल मेरा बर्थडे है। आप कर दो, मैं बता देता, मैं कुछ उसमें से सामान लेकर आता, मसला ही नहीं था। नहीं, इसको मैंने धो के इसको साफ किया है जी, ये देखिए बिल्कुल साफ है, अब इसको मैंने पैक करके लेके जाना है। बहुत यूजफुल है जी, और थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच, आपका ये गिफ्ट है, थैंक यू सो मच जी, यही करामत चीज आपने मुझे गिफ्ट किया। सो आर यू रेडी फॉर अ फुल डे ऑफ वॉकिंग? यहाँ से जाएंगे आज, पेट थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा है, गुड़गुड़ अगर घर पे होती तो मैं बिस्तर में ले इस वक्त लेटी हुई होती, लेकिन थोड़ा चलेंगे तो सेट हो जाएगा। फ्लोइंग ब्रुक्स, फ्लोइंग एंड बबलिंग ब्रुक्स, ये किसने मार्क किया सारे ट्रेल्स? ये ट्रेल्स हैं, लोकल्स ने मार्क किया होंगे। गुलामा बीच, ये रास्ते किसने ऐसे पत्थर किसने लगाए हैं रास्ते के? किसने? क्यों? हमारे गाइड और फोटोग्राफर हामिद हुसैन ऑफ माउंटेन ट्रैवल पाकिस्तान, बादल के अंदर ही चल रहे हैं, बादल के पास ही जा रहे हैं, वो भी अच्छा होगा। हाँ ये है जगह रास्ता जाने वाला, कभी कभार फुटप्रिंट नहीं नजर आते बिल्कुल, मगर वो हाइकिंग स्कूल का उस रात नजर आता है। ये
ये टॉफी पड़ा हुआ है आपके लिए। ओह वाओ, रस्ते में टॉफियां मिलती हैं। आपके लिए गिफ्ट रखा है किसी ने। मेरे या तो हाइट लगा है या पेट खराब हुआ है, इतने खूबसूरत हम जगह पे आए हैं, टॉफी मिल गया, मिल गई। देखें सांस भी फूल रही है। इधर कोई 11,000 फुट तो होगा। लोमड़ी की टॉफी है ये। अब शायद कुछ सुकून मिले, हम चलते हैं। आज थोड़ी स्टीप हाइक है और थोड़ा चल चल के फ्रेश हो जाएंगे। हम वहाँ से हाइक करके आए, वो पूरे फील्ड से पूरा ये ग्लेशियर फील्ड जैसे वो है। यहाँ का सारा पानी उधर साइचो नाम है जाता, साइचो। हाँ, यहाँ से साइचो का सही से मंजर नजर आ रहा है। नीचे हुशे हैं। हाँ। तो ये जंक्शन पॉइंट है गनगोरो वैली और सरकसा वैली का। हम सरकसा वैली की तरफ जा रहे हैं। वो उस पॉइंट पे हमारा कैंप साइट है जो मशहूर है साइचो के नाम से। तो यहाँ पे एक्सपीडिशंस ट्रैकर्स आके बड़ा यहाँ पे कैंप करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। पानी है वहाँ पे, ग्रीनरी है, दरख्त हैं। तो अभी हम इस वैली में, सरकसा वैली में हम जा रहे हैं जो मशहूर है K6 K7 की जो पहाड़ी है वो वहाँ पर है। तो ग्रेट। और हम यूँ चढ़ रहे हैं। हमारे जो बाकी साथी हैं वो साथ में सेल्फी भी बना रहे हैं, ऊपर चले गए। सेल्फी भी है। ग्रेट। और अभी मैं ये ब्यूटी देख के मैं अपनी तबीयत खराब बिल्कुल भूल गई थी। भूल गए। हाँ। माशाल्लाह, टोटली नेचुरल लाइफ है यहाँ पे। देखें कितनी खूबसूरती है। अब पहाड़ देखें, दरख्त देखें, ज़मीन देखें। कोई आपको कंक्रीट बिल्डिंग नज़र नहीं आएगा, कोई रोड नहीं है यहाँ पे, कोई वायर नहीं है, कोई खम्बा नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है और इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है। टोटली नेचर, कुदरत के जो खूबसूरत तरीन जगह है हम वहाँ पे हैं। हवा चल रही है बिल्कुल एनवायरनमेंट से, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन से पाक हवा, पोल्यूशन से पाक पानी। और यहाँ पे जो स्पीशीज हैं देखें, जड़ी बूटियाँ हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं, पौधे हैं, टोटली नेचुरल ऑर्गेनिक, कोई केमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। देखिए माशाल्लाह क्या बात है। आ जाएँ प्लीज़। इधर जो व्यू है ना सरकसा वैली का, ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अमेजिंग है। बस अगर मेरा पेट ख़राब नहीं होता ना, अभी पेट तो थोड़ा सेट लग रहा है, लेकिन हाइट लग रही है। देखें हम ये हैं हम सिटी स्लिकर्स। जब शहर से उठ के हाइकिंग आए ना तो ऐसा हाल हो जाता है, पहले पानी से पेट ख़राब, फिर ओह माय, इट्स नॉट इजी टू हाइक। लेकिन हमें मज़ा बहुत आ रहा है। अभी एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बड़े फ्रेश हो गए इधर आके, बहुत मज़ा आ रहा है। सरकसा वैली नीचे देखें क्या हाइट, और इस पे चलना बहुत आसान है, ये मिट्टी है, इजी इजी होके चल रहे हैं। चलना मुश्किल ही लग रहा है। 12,000 फुट पे ये सांस फूल रहा है, दिल को बहुत जोर से काम करना होता है टू पंप ब्लड। तो चलते हैं आगे, कहीं जाके लेट जाएंगे, फिर अच्छी जगह पे रेस्ट करेंगे।
दो तीन तीन महीने रहता है। हाय, मौसम ऐसे बदलता है आप? जी जी, अभी सुबह जब हम निकले तो बारिश हो रही थी, अभी देखे धूप। मैं तो डाउन जैकेट पहन के आया, 5 मिनट बाद मुझे उतारना पड़ा। जी जी, हाँ जी, कैसे जा रहे हैं आप लोगों का? अल्लाह के शुक्र, ठीक है, मजे की जगह मिल गई। जी आबिद साहब, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी वॉक है, बड़ा फर्क है कल से। हाँ, कल से फर्क है, और बड़ा खूबसूरत व्यू होगा ऊपर से, ग्लेशियर का व्यू और पीक्स का व्यू। और इस धूप में इतनी गर्मी है, मजे का है ऊपर, बिल्कुल मजे का है बिल्कुल। और साये में आए जाए तो थोड़ा सा, थोड़ी सी सर्दी, धूप में थोड़ी सी तपिश। जी जी, हाय माहिरा, ठीक है आप? पहुंच गए कुछ साये में, और हमें वो सरक्सा वैली का ग्लेशियर भी नजर आ रहा है। जी जी, मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, ये सरक्सा वैली जी, ग्लेशियर हमें नजर आ रहा है यहाँ से, मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, हम अभी सरक्सा वैली पहुँच गए। वो बड़ा खूबसूरत ग्लेशियर जो नज़र आ रहा है, वाइट ग्लेशियर, ये सरक्सा ग्लेशियर है। ये बड़ा खूबसूरत ग्लेशियर है, उसमें आगे बादलों के पीछे मशहूर K6 K7 पीक्स हैं। ये के सीरीज़ के पीक्स हैं, कराक्रम 6 कराक्रम 7 जो के सीरीज़ में आता है, तो वो पीक्स इधर हैं, अबाउ 7000 मीटर पीक्स हैं। तो इसमें जो राइट हैंड साइड पे जो बादलों से ढका हुआ पीक नज़र आ रहा है, ये नमिका पीक है, नमिका। तो ये भी तकरीबन 6800 के आसपास हैं, तो बड़ा खूबसूरत पीक है, लेकिन अभी तो बादलों में घिरा हुआ है। तो ये पूरा ग्लेशियर सरक्सा ग्लेशियर है, और सरक्सा वैली है, बड़े खूबसूरत वैली है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए मशहूर है ये वैली। यहाँ पे बड़े खूबसूरत नीरल पीक्स होते हैं, तो सीज़न में बड़े एक्सपीडिशन आते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन आते हैं, रॉक क्लाइंबर्स दो दो महीने रह के जाते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा सीज़न ऑफ हो गया, इसलिए क्लाइंबर्स का तो सीज़न नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के हवाले से बड़ा रिच एरिया है ये। जी, ये ग्रुप फोटो के लिए बड़ा खूबसूरत जगह है, तो ये मैंने चूज किया यहाँ पे। ये पत्थर है, इस पे आप लोग खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, मैं इसी तरह, ये ग्रुप फोटो के लिए बड़ा खूबसूरत जगह है जी। हाँ जी, यहाँ से बड़ा बैकग्राउंड में व्यू नजर आता है सरक्सा ग्लेशियर का, तो यहाँ पे हमारे ग्रुप का एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो मैं एक मैं ले लूँगा, उसके बाद फिर हमारा गाइड नबी, ठीक है, फोटो लेगा। चलें, तो आप एक तो लेने, जितने लोग हैं। नहीं, जब हम उतरते हैं ना ये ऊपर, तो हमारा वेट इसके ऊपर चला जाता है जी, चढ़ने में। आप उतराई में भी कभी कभी बैलेंस नहीं आ पाता ना नी का, तो ये नीचे डाल दे तो इसके ऊपर। हाँ जी, तो बिहाइंड द सीन्स पे हम कर रहे हैं। कैसी जा रही है हाइक? ये हाइक जबरदस्त है, अभी सियाचो ग्लेशियर के सामने खड़े में। साइचो ग्लेशियर, सरक्सा ग्लेशियर, सरक्सा, सरक्सा ग्लेशियर, सरक्सा, क्या पूछा था मलिया ने? अरे क्या पूछा था आपने? जल्दी पिघल रहे बहुत है ना, ये ग्लेशियर आगे तक है, और वो जो रॉक्स नजर आ रहे हैं ना, उसके अंदर भी ग्लेशियर है। ओ वाह, इधर तक ग्लेशियर है, ये सामने तक ग्लेशियर है। जी जी, ऐसे मारे तो नजर आएगा, नजर आएगा, काटे
काटें तो पत्थर नजर आएगा। अच्छा यहाँ पर ग्लेशियर तो दरिया कैसे आ रहे हैं? यहाँ की हिस्ट्री एक मैं आपको बता दूँ, ये पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं है। पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक शहर आबाद था, छोटा सा गांव कह सकते हैं, शहर तो नहीं कह सकता। तो वो आबाद थे, लोग रहते थे यहाँ पे, उनकी खेत थे, ज़मीनें थी। यहाँ ग्राइंडिंग के स्टोन्स यहाँ मिलेंगे, हम वो अभी देख लेंगे। तो लोग कहते हैं लोग आबाद थे यहाँ पे, एक फिर एक तूफान आ गया, एक ग्लेशियर टूट के गिरा, उसके फिर सारा ग्लेशियर के मलबे तले आ गया। लोग कहते हैं हाँ सब अंदर हैं, कहते हैं इसको खोदें अंदर से तो कहते हैं पूरा गांव नीचे नजर आएगा। तो ये पहले कहते हैं गांव था। कितने कितने तारीख पे ये हुआ? हजारों साल पहले की बात है। ये सब्जियों में जलाते हैं ना। डियर मी, उम्र भी लग रही है और हाइट भी लग रही है। क्या रखा हुआ इधर? ये देखें जी, जिस तरह मैंने कहा पहले, ये पुराने जमाने में यहाँ पे गांव आबाद था, तो ये इसके आसार हैं। ये पुराने ज़माने में यहाँ पे गंदुम पीसते थे इसमें। हाँ जी, गंदुम गिरी वगैरह पीकते वो यहाँ पीसते थे। और ये घरों के आसार पत्थर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये दीवारें अभी तक हैं यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे रहते थे। ये पत्थर यहाँ पे अभी तक पड़े हुए हैं, घर आबाद थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कब्रें भी थी। ये देखें दीवार के आसार हैं यहाँ पे। तो ये नबी हैं, हमारा लोकल गाइड हैं, हुशे से इनका ताल्लुक है। ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हैं। तो नबी इस एरिया के बारे में ज़रा कुछ ब्रीफिंग देंगे हमें। जी नबी जी, मैं ये सारे इधर हुशे का एरिया है, इसी में पहले हुशे बनाने से पहले इधर आबाद हुआ था। तो इधर ये जगह है, गरुम का जगह है, कब्रिस्तान का जगह है, जो गंदम पीसने के जो चीज़ें हैं वही भी इधर मौजूद है। जो पुल बनाया था वो उधर से बनाया था, वो उस पानी से लाया था, वो सेंटर से वो पुल का निशाना अभी तक है। जो इसके नीचे उसका ज़मीन है, इसके नीचे भी है, इसके ज़मीन। अच्छा, आसार नीचे भी है। जी जी जी, ये कब्र या कब्रिस्तान का एरिया था। जी जी, मगर लकड़ी का कुछ बना हुआ है अंदर। लकड़ी डालते थे पहले जमाने में नीचे। जी जी, ये हमारा लोकल गाइड एक और यहाँ की हिस्ट्री बता रहे हैं जी। कहते हैं पुराने ज़माने में ये थिक फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत दरख्त थे, बड़े बड़े यूनिवर के दरख्त थे। जो जितने भी ब्रिजेस बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, उनके लिए लकड़ी यहाँ से काट के ले गया था। तो उसके बाद एक दफ़ा बस कुदरती आफत आ गया, आसमानी बिजली, आसमानी बिजली गिरी, उसकी वजह से 3 महीने आग में जलता रहा ये एरिया, ये पूरा। उसके बाद पूरा जंगल ख़त्म हो गया, वरना ये पूरा एरिया ऊपर तक भरा हुआ था बड़े बड़े दरख्तों से। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ दरख्त बचे हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। तो इनके कहते हैं आसार, जलने के आसार अभी भी मौजूद हैं। तो ये वो वैली है। ये वाकई बड़े बड़े दरख्तों के आसार हमें नज़र आ रहे हैं, और जलने के भी आसार हैं। देखें ये दरख्त है, कितना बड़ा दरख्त होता था यहाँ पे एक ज़माने में। देखें ये सारे जूनिपर के दरख्त हैं।
ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत बड़ा दरख्त है, ये जूनीपर का दरख्त है और बहुत पुराना है, तकरीबन ये 1000 साल से भी ऊपर का है ये दरख्त। देखें कितना खूबसूरत, इसके तने ज़मीन को टच कर रहे हैं, इसकी जो शाखें हैं कुछ शाखें ज़मीन को भी टच कर रहे हैं। देखें बहुत पुराना दरख्त है ये। अभी या नहीं, अभी आजकल हम यहाँ देखें जी बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, ये 1000 साल पुराने दरख्त हैं। यहाँ कुछ दरख्त हमने देखे बहुत खूबसूरत थे, बड़े बड़े थे और वाकई आग लगने के आसार हैं, बड़े दरख्तों के निशानात हैं जिन पे आग लगी है। काला तो ये भी है। हाँ हाँ बिल्कुल आग लगी है इन पे। नाइस म्यूजिक। आई थॉट कि ये क्या है, इसमें हम वो इनविजिबल टी पिएंगे जी। वो उसी चक्की में वापस जाके उस चक्की में जी ये पत्ता है, इसका पता नहीं उर्दू अंग्रेजी नाम मुझे नहीं आता, लेकिन बलती में हम इनको इसको स्क्यूरबू कहते हैं, स्क्यूरबू। इसको हम मजे से खा सकते हैं, ये बड़े मजे का होता है। नहीं नहीं बेरीज नहीं खा सकता, पत्ते खा सकते हैं जी जी। इसको खाने का सीजन है स्प्रिंग में, स्प्रिंग में जब नए नए पत्ते निकलता है ना, तो पूरा टहनी हम खा सकते हैं मजे से। हाँ हाँ, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है। हमारे पुराने लोगों ने मुझे कहा है जी जी। This is the one I was talking about yesterday. अच्छा 1993 में पहली दफा मैं इस वैली में ट्रैकिंग के लिए आया, तो मेरे साथ कुछ पुराने पोर्टर्स थे, तो वो खा रहे थे ये। मैंने कहा उनसे, भाई ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम खाते हैं इसको। वो तो स्प्रिंग थे जी। हाँ हाँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजे का। तो वो पोर्टर्स बहुत खाते थे उस जमाने में, तो उससे फिर मुझे पता चला। हाँ जी, ये असल में नुकीले, अभी जरा सीजन नहीं है ना, स्प्रिंग में बिल्कुल नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, 2-3 पत्ते हम यूं खा सकते हैं। देखें जी, देखो बेरबेरीज इन इंग्लिश, बेरबेरी जी जी। I want to learn how to recognize these berries. This soil is so fertile. This is like the potted soil you buy. It's so. अच्छा ये रोज एप्स हैं जी। ये वाइल्ड रोज हैं जो फूल खिलने के बाद ये बेरीज उस पर आ जाता है, तो दिस इज आल्सो फुल ऑफ विटामिन सी, फुल ऑफ एनर्जी, तो इसको भी हम खा सकते हैं, बहुत मजे का। इसका चाय भी मजे का बनता है। बहुत मजे का ये भी। अच्छा यहाँ एक फूल भी खिला हुआ है ऊपर, देखें रोज, वाइल्ड रोज एक फूल खिला हुआ है, वाइल्ड माउंटेन रोज है। देखें फूल, ये देखें, ये देखें, ये पूरा इस फूल से भर जाता है। इसका खुशबू जरा करें, बहुत अच्छा खुशबू है इसका। इंटरेस्टिंग। Oh wow. जी ये देखें, स्पाइसी जी जी।
पत्ते का जो खुशबू है। इसका भी बड़ा अच्छा खुशबू है जी, देखिए। ये भी लैवेंडर फैमिली से ताल्लुक रखता है, बड़ा अच्छा खुशबू है इसके पौधे का, फूल भी बड़ा अच्छा है खिलता है इस पर। ये ऑटम के असरात कुछ आ गए, ये नीचे ये जो है कलर चेंज हो गया। चश्मे कब आएगा? यहाँ ऊपर है, इधर से ऊपर है। अच्छा, तभी पी सकेंगे चश्मे का पानी। हाँ, फिर वो पिलाएंगे सांपा हमें। सांपा क्या होता है? बार्ली पाउडर। अच्छा अच्छा, बार्ली पाउडर नहीं है, बकवीट का है। ये भी होता है हाइकिंग में, होता है ना, ये पार्ट ऑफ हाइकिंग। बड़े शौक थे हाइकिंग के आपको, मुझे लगता है थोड़ा अल्टीट्यूड सिकनेस हुआ है। वेल, पेट तो खराब हुआ था, ये मुझे लग रहा है पेट का। पेट में इतना वो आँखें वगैरह ये सब वो नहीं होता आपका, थोड़ा चेहरा भी वो लगता है ना चेहरे के ऊपर। तो पेट में मेरे वो मड़ोड़ हो रही है, तो वो पेट में कमजोरी हो तो आपका लेटने का दिल चाहता है ना, वो तो चाहता है, तो यही हो रहा है। चलें स्प्रिंग वाटर तक चलते हैं, फिर देखते हैं, वहाँ लेटते हैं फिर। ये सत्तू है शहद के साथ, तो एनर्जी। इट्स अ वेरी अर्थी ड्रिंक। हाँ जी, लंच तैयार है हमारा। इसके अंदर ही अंडा है जी जी, इसमें जैम पराठा है, इसमें ऑमलेट पराठा है। सादा कौन सा है? इसमें मक्खन पराठा है, सादा नहीं है। एग्स हैं, वाइल्ड एग्स हैं, सम ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स, सम चॉकलेट, थैंक यू,
I think brand new, I never worn it, like bought it yeah. when I was maybe slimmer. Well, this is coming in handy. Super useful. Yeah. So, यहाँ पे बार्ले पाउडर है जिसे सत्तू कहते हैं, गुड़ है, माहिरा तबीयत ठीक है आपकी, कुछ खा लें आप भी? I feel less nausea, वो हमने सांपा पिलाया जी, उससे थोड़ी जान में जान आई, एनर्जी, बस पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, उसको मैंने पेट को सीधा किया हुआ हाँ, बाकी मैं ये एप्रिकॉट बेहतर है जी, ये ड्राइड एप्रिकॉट बहुत एनर्जी अच्छा भी दे देगा ना जी 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 जी, जी ये खा लें, लग रहा है जैसे थोड़ा फीवर सा हो रहा है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी ठीक है आप लोग? गुड, व्हाट अ नाइस। ये सड़क सा वैली है जी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, व्यू पॉइंट है, फिर वहां से हमारी वापसी है। इस जगह का नाम ये चंकिल है जी, इस जगह का नाम चंकिल है, ये भी एक कैंप साइट है जी, क्योंकि सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ और अवलांचेस बहुत आता है, इसलिए इन दरख्तों के जो शाखें हैं वो कटा हुआ है और यहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जी।
only. I like having my hands too. If you can sniff. हम सराफा व्यू पॉइंट के तकरीबन करीब हैं। अच्छा, मैं ज़िक्र कर रहा था इस प्लांट का, ये देखें, ये इतना खूबसूरत, इतने बड़े बड़े पत्तों वाला ये प्लांट है। ये अभी तो सूख गया, इसका शूट निकलता है यहाँ से और तकरीबन 2-3 फीट का होता है और उसके ऊपर फूल खिलता है। तो वो फूल खिलने से पहले उस शूट को इधर से काट के उसका छिलका उतार के हम खा सकते हैं, बहुत मज़े का होता है। लेकिन ये जून में ये फूल खिलता है। अब देखें, अभी तो सूख गया, अभी तो ऑटम शुरू है, तो पत्ता देखें, इतना सख्त पत्ता है, इतना बड़ा पत्ता है, बड़े बड़े पत्ते आते हैं इस पे। तो ये जंगली गुलाब का फूल है जी, जंगली गुलाब का पौधा है। तो इसका भी सीज़न नहीं है, लेकिन अनयूजुअल एक फूल खिला हुआ है यहाँ पे। देखें कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है यहाँ पे, जंगली गुलाब का, वाइल्ड रोज़ कहते हैं इसको। तो इस एरिया में वाइल्ड रोज़ बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो ये एक फूल अनयूजुअली खिला हुआ है, हालांकि ये सीज़न नहीं है इस फूल के खिलने का। एक छोटा कली भी है इसके साथ। तो ये माशाल्लाह अल्लाह का कुदरत है। तो हालांकि फूल पहले खिल के ख़त्म हो गए हैं, फूल खिल के ख़त्म हो जाएं तो ये उस पर आ जाता है, ये जिसे रोज़ हिप्स कहते हैं। तो इस इधर भी एक गली है। ये जूनिपर का एक पुराना दरख्त है जी, सूखा पड़ा है। ये शायद, हाँ, कभी बिजली लगता है इस पे। जी जी, जल गया है, इसीलिए जल गया ये। जूनिपर का एक पुराना दरख्त है जी, बड़ा खूबसूरत शेप है इसका। देखिए, इस पे बिजली गिरी थी तो इसलिए ये ख़राब हो गया और प्रॉपर सूख गया ये। देखें, इसके जलने के भी निशानात हैं। यहाँ से रास्ता नहीं है, हम इस तरफ से चलते हैं।
जो फसाई सुख जो स्वा गाय सुख ओहो ये बेचारा देखिए फंसा हुआ था यहाँ पत्थरों के बीच में भूखा है देखिए बेचारी पत्नी कब से फंसा हुआ था इसकी जान बचाई हाँ अच्छा नबी भाई आपने इस बेड़ू की जान बचाई कैसे कहाँ फंसा हुआ था ये इधर पौधे के साथ अच्छा कांटों में फंसा हुआ था उधर अच्छा हमने छुरी लगा के वो कांटा काटा अच्छा इसकी बात वो इसकी जान बचाई आपने तो क्या लगता है आप कितने दिनों से यहाँ ये फंसा हुआ था कम से कम दो तीन दिन हाँ इसीलिए जो ही वहाँ से निकला ये खाना शुरू कर दिया तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया इसकी जान बचाई बहुत अच्छा है देखें ये पहुँचते ही खाना खा रहा है देखें ये काफ़ी दूर जी सरक्सा वैली में एक बेड़ू कई दिनों से यहाँ पे फंसा हुआ था तो जो हमारा गाइड है उन्होंने देखा जब गाइड इधर से गुजरा तो उन्होंने आवाज़ दी तो उसने झाड़ियों में से उसको निकाला काट काट के तो इसकी जान बचाई अभी ये देखें खाना खा रहा है घास खा रहा है अभी सरक्सा ग्लेशियर है जी ग्लेशियर के साथ साथ मोरेन से हम चल रहे हैं थोड़ी देर तक हम व्यू पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं ये K7 की यहाँ पे एक स्टेज है दरख्तों के पीछे और यहाँ से रास्ता भी ख़त्म हो गया तो यहाँ से फिर नीचे उतरते हैं ग्लेशियर में फिर ग्लेशियर पे से चलते हुए आगे K7 बेस कैंप की तरफ जाते हैं ये जी मशहूर सरक्सा ग्लेशियर हमें नज़र आ रहे हैं वो वाइट ग्लेशियर हैं सरक्सा ग्लेशियर जिसके ऊपर की जानिब जो फ्लैट सा नज़र आ रहा है वहाँ पे वहाँ थोड़ा सा आगे जाके बड़ा मैदान है बहुत खूबसूरत जगह है वो मशहूर K6 और K7 का बेस कैंप है तो यहाँ पे जो मशहूर पीक्स हैं उनमें K6 K7 नमिका पीक जो बादलों से ढका हुआ ये नज़र आ रहा है ये नमिका पीक है और K6 K7 अंदर हमें नज़र आ रहा है
तो उसके साथ साथ एक शार्प पीक नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ये नेज़ा पीक है, ये भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए मशहूर है। तो सरक्सा वैली में रॉक क्लाइंबिंग के बहुत सारे पहाड़ हैं और आइस क्लाइंबिंग के भी बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये साइड मोरेन जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से जाता है ऊपर रास्ता है, वहाँ फिर ग्लेशियर क्रॉस करके उस साइड पे एक कैंप साइट है। उस कैंप पे एक रात गुजारने के बाद फिर 3 to 4 hours वॉक है बेस कैंप तक, K7 बेस कैंप तक। तो उसके साथ ही सरक्सा ग्लेशियर जो बेस है उससे थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे जो K6 K7 है, वहाँ से सरक्सा ग्लेशियर शुरू होता है, उसका सोर्स वहाँ पे है। वहाँ शुरू में वाइट ग्लेशियर, इधर तक वाइट ग्लेशियर, फिर ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट होके रॉकी ब्राउन और ब्लैक कलर में तब्दील होता है। तो ये जो कलर्स ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये सारे ग्लेशियर हैं, इसके अंदर ग्लेशियर हैं जो सरक्सा रिवर का सोर्स यहाँ से शुरू है वो हमें नज़र आ रहा है, जो दरिया यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से जाके आगे हुशे रिवर में मिलता है, हुशे रिवर जाके खपलू से के करीब शेयोग में मिलता है, शेयोग जाके आगे इंडस में मिलता है, इंडस थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करके अरबियन सी में मिलता है। तो ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है दरियाओं का, ग्लेशियर से पिघल के फिर दरिया बनता है, दरिया फिर आगे बड़े दरियाओं में शामिल हो जाता है। अच्छा, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि ये ग्लेशियर काफ़ी नीचे तक था, जो मेल्ट होता होता चला आया अभी काफ़ी ऊपर तक आ गया, और जो वाइट ग्लेशियर हैं वो काफ़ी ऊपर तक। ये देखें, मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद ये वाइट ग्लेशियर भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जो इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग्स आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये सारे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होता जा रहा है। तो यू कैन इमेजिन पुराने वक्तों में ये पूरा भरा हुआ था और ये सारा ग्लेशियर था, अभी काफ़ी कम हो गया है। तो ये हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, आखिरी व्यू पॉइंट, यहाँ से इंशाल्लाह हम वापस जाएंगे। जी हामिद हुसैन, इतनी ज़बरदस्त और पोएटिक तरह से आपने ये सारे नज़ारा डिस्क्राइब किया है कि तो बग़ैर वीडियो के भी लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या देख रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी तैमूर साहब, अमेजिंग ट्रैक। खिज़िर साहब, आप भी कुछ फरमाएं। बहुत मज़े का इंजॉय किया आपने, वापस भी काफ़ी इंशाल्लाह, अभी दूर है इंशाल्लाह। जी 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 जी, तो एक ग्रुप फोटो हो जाए यहाँ पे, फिर हम निकलते हैं। जी जी जी, अब ये सरक्सा व्यू पॉइंट से हमारी वापसी है, तो इन खूबसूरत जगहों को खुदा हाफिज़ कह के हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से शहीचो कैंप साइट पे हमारे बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ हमारा किचन स्टाफ है, तो तकरीबन 2 घंटों में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। तो ये वापसी है हमारी। हाँ, पर अब सब देख
किया है तो नहीं रुकेंगे। अभी तो देख के खत्म हो गया ना। मजे का है पानी। ये वही बेड़ू है जी जिसको हमने रेस्क्यू किया था। अभी हमारे साथ साथ शहीदों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इनके बाकी साथी भी हैं। बैठ